डिप्लॉय भी करोगे, वेबसाइट पे भी डालोगे, तब जाके तुम्हारा एक कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपर बनोगे। अभी क्या है, तुम फुल स्टैक वेब डेवलपर तुम्हें आ गई है, यू हैव लर्न इट, बट अच्छे से लेवल पे तुमने अप्लाई नहीं किया। शुरू के 3 से 3.5 महीने लर्निंग पे गए थे, फिर नेक्स्ट 2 से 3 महीने तुम्हारे प्रोजेक्ट पे जाएंगे, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना टाइम लगेगा। तो इफेक्टिवली पूरे 6 महीने तुम लग के वेब डेवलपमेंट सीखते हो, आखिरी के 15 दिन कुछ AWS वगैरह सीखते हो, मैक्सिमम 6 से 7 महीने में तुम एक कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपर बन जाते हो। हाय, मायसेल्फ पारिक हियर। सो यार, आज के सेशन में मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे बात करने वाला हूं कि हाउ मच टाइम इट टेक्स टू बिकम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर, है ना। एंड हमें फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है, बैक एंड डेवलपर या फ्रंट एंड डेवलपर नहीं बनना, फुल स्टैक वेब डेवलपर बनेंगे, बिकॉज उसमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है और उसमें सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है, ठीक है। तो आई विल बी डिस्कसिंग कि टोटल टाइम कितना लगेगा हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके, कि इसमें इतना टाइम लगेगा, इसमें इतना टाइम लगेगा, इसमें इतना टाइम लगेगा, एवरेज पर्सन को इतना टाइम लगता है, स्मार्ट पर्सन को इतना टाइम लगता है, पूरा बताने वाला हूं। तो एंड तक रहना एंड यू विल गेट टू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड पहले मैं बस एक प्री रिक्वेस्ट छोटी सी बता दूं कि यार, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ के आना बिफोर लर्निंग वेब डेवलपमेंट, है ना। लोग ये गलती कर देते हैं, मैं ही नहीं कह रहा हूँ बहुत एक्सीलेंट लेवल पर पढ़ के आना है, बट एक बेसिक लेवल पे कि ट्रीज पता हो, लिंक लिस्ट पता हो, हैश मैश पता हो, थोड़ा बेसिक पता हो, राइट, दैट विल हेल्प यू रियली वेल इन योर वेब डेवलपमेंट पार्ट, है ना। वो थोड़े लॉजिक बिल्ड हो गए आते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्व करके आते हैं तो हम सोच पाते हैं अच्छे से, अच्छे वाले सॉल्यूशंस, तो वो रियली हेल्प करते हैं हमें वेब डेवलपमेंट में। तो बस यही मेरी एक प्रीरिक्विजिट है, थोड़ा बहुत DSN एल्गो के कोर्स करके आना एंड आई विल रिकमेंड 100 से 150 प्रॉब्लम्स तो करके आओ, ठीक है। वंस दैट इज डन, नाउ हमारा वेब डेवलपमेंट का पार्ट स्टार्ट होगा, असली पार्ट अब स्टार्ट होना है। सबसे पहले वेब डेवलपमेंट सीखने से पहले हमें GitHub एंड Git के बारे में पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज GitHub पे क्या होता है, हम अपना कोड पुश कर पाते हैं, राइट, क्लाउड पे सेव कर पाते हैं, दूसरों को दिखा पाते हैं, सो बहुत सही चीज होती है GitHub वाली चीज। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले Git सीखने के लिए हमने जो भी DSN एल्गो के कोर्स करे ना, उनको GitHub पे डाल सकते हैं, उससे हमें ना Git की कमांड्स आ जाएगी, पुश कैसे करते हैं, कमिट का मतलब क्या है, ऐड का मतलब क्या है, तो बेसिक Git की कमांड्स भी आ जाएंगी और हमारी एक बेसिक GitHub प्रोफाइल भी सेट हो जाएगी, कि जो भी हमने DSN एल्गो कोड सीखा या कुछ भी करा है, तुमने कुछ भी करा हो, वो थोड़ा कोड पुश हो जाएगा, राइट। तो Git अच्छे से यूज कर लेते हैं और हमारी थोड़ी GitHub प्रोफाइल भी बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब हमारा वेब डेवलपमेंट सीखने का पार्ट स्टार्ट होगा, हमने Git एंड GitHub सीख लिया, आई थिंक 2 से 4 दिन लगते हैं, 2 दिन एक बहुत स्मार्ट पर्सन को, 4 दिन कोई एवरेज पर्सन है तो उसको 4 दिन लगेंगे, है ना। सो 2 से 4 दिन में हम GitHub में कंफर्टेबल हो जाते हैं, Git एंड GitHub, मैं मतलब सेम साउंड कर रहा हूँ, बट तुम कुछ और भी होते हैं GitHub के अलावा, Bitbucket होता है, कुछ भी यूज कर लो, बस मोस्ट पॉपुलर GitHub है, ठीक है। तो हमने Git अच्छे से सीख लिया 2 से 4 दिन। नाउ अब हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, दैट इज HTML एंड CSS। ये तुम्हारा बेस बना, जब भी तुम एक वेब डेवलपर बनने हो, HTML CSS तुम्हारा बेस है। जैसे मैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में बेस बोलता हूं ना, फंक्शंस, लूप्स, वो बेस होता है, वेब डेवलपमेंट का बेस होता है HTML CSS। तो ये जिसकी अच्छी होती है ना, मतलब थोड़ा सा हार्डवर्क होता है, राइट, इट्स नॉट अबाउट कि बहुत स्मार्ट चाहिए, बट थोड़ा हार्डवर्क करना होता है, थोड़ी कॉन्सेप्चुअल चीजें समझनी होती है, और ये शुरू में अच्छे से कर लोगे तो पूरे टाइम में हेल्प करेंगी। तो इसको लाइटली मत लेना, आई थिंक 10 से 15 दिन अच्छे से देना, एक स्मार्ट बंदा 10 दिन दे सकता है, एक एवरेज बंदा 15 दिन दे सकता है, एंड सीखना कैसे है, बना बना के। और सबसे बेस्ट तरीका वही है कि अपना पर्सनल ब्लॉग बनाओ या अपना पर्सनल रेज्यूमे बनाओ, उसमें तुम मन से काम करते हो और अच्छा सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश करते हो, तो HTML के कॉन्सेप्ट सीख लेते हो, डिव वगैरह कैसे लगाते हैं, और CSS के कॉन्सेप्ट सीख लेते हो, फ्लेक्स वगैरह कैसे यूज होता है, तो काफी अच्छे से तुम्हारी एक बेसिक डिजाइनिंग आ जाती है तुम्हें। सारी चीजें करना CSS में, पोजिशन एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, पोजिशन दिस का मतलब क्या है, बहुत सारी चीजें होती है। तो HTML CSS देंगे 10 से 15 दिन अच्छे से देंगे और रेडी करेंगे एक अपना पर्सनल ब्लॉग या पर्सनल रिज्यूमे, ठीक है, दैट इज डन। नाउ अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें, जो तुम्हारा कोर है तुम्हारे वेब डेवलपमेंट का, ये हर वेब डेवलपर को आना चाहिए, दैट इज JavaScript। और अभी हम फ्रेमवर्क नहीं सीखेंगे, अभी हम JavaScript सीखेंगे, लाइक एक लैंग्वेज है JavaScript, जैसे जावा होती है, C++ होती है, ऐसी एक लैंग्वेज है JavaScript, राइट, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो यूज होते हैं। तो हम जावास्क्रिप्ट को एकदम बेसिक से सीखेंगे कि लूप्स कैसे चलते हैं जावास्क्रिप्ट में, क्यों होते हैं जावास्क्रिप्ट काम के, क्योंकि तुम्हें जैसे क्लिक करने पे कुछ करना है या सबमिट करना है या कुछ एनिमेशंस दिखाने हैं, तो जावास्क्रिप्ट से ही होते हैं वो सब, है ना। तो हमें अच्छे से अगले 20 से 25 दिन जावास्क्रिप्ट सीखना होगा और अच्छे लेवल की सीखेंगे, क्लोजर्स वगैरह यूज करके सीखेंगे। अच्छा कोड जो लिखता है ना जावास्क्रिप्ट में, वो इवेंचुअली एक अच्छा वेब डेवलपर बनता है।
तो जावास्क्रिप्ट तुम्हारा कोर है, उसको अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझ समझ के करो, 20 से 25 दिन लग के करो, है ना। एंड कैसे सीखोगे, कुछ कुछ बना के, जैसे गेम बना सकते हो, 2048 गेम बना लिया, या कोई और टिक टैक टो गेम बना लिया, कोई भी गेम बनाओ जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। और अगेन आई एम रिपीटिंग, साथ साथ गिट पे पुश करते रहो, गिट पे कमिट करते रहो, जिससे कि तुम्हारी गिटहब प्रोफाइल भी साथ साथ बनती रहे। तो हमने HTML CSS सीखा, अब उसके बाद 20 से 30 दिन, किसी को 30 दिन में लग सकते हैं, तो एवरेज बंदा 30 दिन ले सकता है, स्मार्ट बंदा 20 दिन में कर लेगा। इफेक्टिवली हम 20 से 30 दिनों में जावास्क्रिप्ट अच्छे लेवल की सीख लेंगे, है ना। एंड हमारा कुछ कुछ गेम्स भी रेडी हो जाएंगे जो हमने गिटहब पे डाल दिए। तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट कर लिया, हमने गिटहब सीख लिया। तो इफेक्टिवली अगर तुम देखोगे लाइक गिट एंड गिटहब में 2 से 4 दिन लगे थे, HTML CSS में 10 से 15 दिन लगे थे, जावास्क्रिप्ट मैंने बोला 20 से 30 दिन, तो 1.5 महीने में टाइप्स में तुम एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बन गए, राइट। HTML CSS जावास्क्रिप्ट आ गई है। नाउ इसके बाद मैं एक चीज ऐड करूंगा यार, फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क सीख लेना, ये नेसेसिटी नहीं है, बट आज की डेट में स्किल रिक्वायरमेंट में फ्रेमवर्क्स आने चाहिए। सारे कोड जो स्टार्टअप्स जो चल रहे हैं सब फ्रेमवर्क्स का यूज कर रहे हैं, रिएक्ट, एंगुलर, बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं। तो एक फ्रेमवर्क हमें पकड़ना है और उस पर अच्छे से पकड़ बनानी है, है ना। अगर मैं मतलब मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ रिएक्ट, बिकॉज काफी हॉट स्किल है, एंगुलर भी कर सकते हो, कोई फाइट नहीं है। सो अगर हम रिएक्ट पकड़ेंगे, राइट, तो हम उस फ्रंट एंड फ्रेमवर्क को अच्छे से सीखेंगे, और उसको सीखने में टाइम लगता है, राइट। क्योंकि फ्रेमवर्क से पता है फायदा क्या होता है, उसमें ना कॉम्पोनेंट का कोड होता है। तो मान लो तुम्हारा एक सर्च बार है, अब सर्च बार बहुत जगह यूज हो सकता है तुम्हारी वेबसाइट में, तो क्या होगा, एक ही जगह कॉम्पोनेंट बनाओगे और वो बहुत जगह यूज हो जाएगा। दैट इज एन अमेजिंग थिंग ऑफ फ्रेमवर्क्स, है ना। बहुत सारा तुम्हारा जावास्क्रिप्ट का कोड बचा लेता है, क्लिक करने वाले फंक्शन तुम्हें बार बार वो गंदा कोड नहीं लिखना पड़ता, फ्रेमवर्क ने फंक्शनलिटी दी हुई होती है, कर वही रहा होता है, उसने जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, बट हम वो फ्रेमवर्क से कर रहे हैं, तो हमारा जल्दी प्रोडक्टिविटी हो जाती है फ्रंट एंड में, है ना। वो जो आलस वाला काम होता है ना वो हट जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और काफी इंटरेस्टिंग काम आ जाता है फ्रेमवर्क से। तो आई विल रिकमेंड 20 से 30 दिन, नेक्स्ट 20 से 30 दिन हमें फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स पे देने चाहिए। और कैसे करना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए फ्रेमवर्क को यूज करके। जैसे आई थिंक अगर तुमने अंकुश भैया की वीडियो देखी हो, उसमें प्रोजेक्ट आइडियाज थे, उन्होंने पूरा कवर करा था, मैं लिंक डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से तुम्हें प्रोजेक्ट आइडियाज मिल जाएंगे। तो अगर हम फ्रंट एंड फ्रेमवर्क सीख रहे, तो हम जैसे क्रिकेटर्स को कंपेयर करना है, अगर तुम्हारा क्रिकेट का इंटरेस्ट है कि विराट कोहली और इनमें कौन बेटर प्लेयर है, राइट, या मूवीज को कंपेयर करना है, तो ऐसे कुछ करके हम API, दूसरों की API यूज करके हम इंटरेस्टिंग फ्रंट एंड प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाएंगे रिएक्ट फ्रेमवर्क यूज करके, उससे हमें रिएक्ट अच्छे से आ जाएगी और हमारा एक प्रोजेक्ट भी रेडी हो जाएगा। तो हमारा हम उसको गिटहब पे डाल देंगे और हमारी गिटहब प्रोफाइल भी बनती रहेगी और हम एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर, कंप्लीट फ्रंट एंड डेवलपर भी बन जाएंगे, राइट। तो हमें रिएक्ट भी अच्छे से आ गया। तो अगर तुम इफेक्टिवली देखोगे 1.5 महीना, लाइक अगर बहुत स्मार्ट पर्सन हो तो 1 महीना, थोड़े एवरेज बंदे हो तो 1.5 महीने टाइम्स में तुमने फ्रंट एंड सीख लिया था। फ्रंट एंड फ्रेमवर्क में 20 से 30 दिन लगते हैं, तो अगर तुम देखोगे तो 2.5 महीने में, एक अगर एवरेज बंदे भी, तो 2.5 महीने में फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, पूरा फ्रंट एंड वेब डेवलपर बन जाएगा विद फ्रेमवर्क। अगर बहुत स्मार्ट बंदा है तो लाइक 1.5 महीने में बन जाएगा, राइट। वो डेढ़ ढाई महीने का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सीखने पर फोकस करो, टाइम कितना लग रहा है बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, राइट। 1.5 से 2.5 महीने में हम लोग एक अच्छे कंप्लीट फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएंगे। नाउ कम्स द मेन पार्ट, विच इज द बैक एंड पार्ट ऑफ योर वेब डेवलपमेंट, है ना। अभी तक क्या था, तुम दूसरों के डेटा पर रिलाय कर रहे थे, अब तुम खुद का डेटा बनाओगे। वी विल फोकस ऑन क्रड ऑपरेशंस। क्या होते हैं क्रड? क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट वाले ऑपरेशंस, कि हमें क्रिएट करना आता है, हमें अपडेट करना आता है, हमें डिलीट करना आता है, हमें रीड करना आता है। तो अगर तुम्हारी यूजर की इन्फॉर्मेशन है तो यूजर क्रिएट कर पाते हो, रीड कर पाते हो, यूजर को अपडेट कर पाते हो कि उसका फर्स्ट नेम अपडेट करना है, यूजर को डिलीट कर पाते हो। ये बेसिक ऑपरेशन सीखेंगे और अच्छे से 1 महीना बैकएंड सीखेंगे, डेटाबेस डिजाइनिंग आर्किटेक्चर सीखेंगे कि कैसे चलता है। बेसिक आर्किटेक्चर होना है कि यूजर डाल दिया, मॉडल्स, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स डाल दिए, कि पोस्ट डाल दिया, राइट, क्रिएट कर पा रहे एक पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टाइप, है ना, या कमेंट कर पा रहे हैं, ये सब चीजें हम बेसिक बेसिक कर पा रहे हैं। तो कमेंट क्रिएट हो पा रहा है, कमेंट डिलीट हो पाते हैं, कमेंट रीड हो पाते हैं, कमेंट अपडेट हो पाते हैं, है ना। काफी सारी चीजें सीख लोगे, लिंक कर लोगे, तो डेटाबेस डिजाइनिंग आर्किटेक्चर अच्छे से आ जाएगा और तुम्हारा बेसिक, तुम्हें बैकएंड में डेटा कैसे दिखाते हैं, डेटा कैसे यूज करते हैं, बिकॉज तुम्हें बेसिक फ्रंट एंड तो आता ही था, तो उसमें तुम अच्छे से सीख लोगे। अब बैकएंड सीखना किसमें है, राइट। देखो नोड जेएस है, रूबी ऑन रेल्स है, जेंगो विद पाइथन है, सारे अच्छे हैं, बट आज की डेट में थोड़ी एक हॉट स्किल चल रही है, दैट इज मर्न स्टैक डेवलपर, राइट, MERN, या फिर मीन स्टैक डेवलपर, वेयर M stands for MongoDB। जो तुम डेटाबेस डिजाइनिंग है वो जो सीख रहे हो वो MongoDB से सीखो,
और चीजें भी सीख सकते हो, बट अगर ये स्किल डिमांड में है तो MongoDB से सीख लेते हैं डेटाबेस आर्किटेक्चर, है ना। ई क्या है? एक्सप्रेस जीएस। तो जैसे बैकएंड में ना नोड होता है, उसके लिए तुम्हारा वो बैकएंड का काम आसान कर देता है, जैसे वहां फ्रेमवर्क में रिएक्ट आसान कर देता है, ऐसे ही वहां एक्सप्रेस जीएस तुम्हारा काम आसान कर देता है। मर में RS फॉर रिएक्ट वो हम पहले सीख चुके हैं, NS फॉर नोड जीएस, है ना। अगर हॉट स्किल है तो नोड जीएस पे फोकस कर लेते हैं अगर अच्छे से हम बैकएंड बना पाते हैं, है ना। तो अगर हम मर्न स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं तो अगर हम नोड जीएस बैकएंड में सीख लेंगे, रिएक्ट फ्रंट एंड में सीख लेंगे, हमारा सारा कवर हो जाएगा और हमारी डेटाबेस डिजाइनिंग हम MongoDB से कर लेंगे, है ना। तो 30 दिन लग के हमने बेसिक ऑपरेशन सीखे, अब नेक्स्ट 15 दिन थोड़ा सा राइट कि नोड जेएस में, एक्सप्रेस जेएस में, रिएक्ट में कुछ कुछ बेसिक एक जो भी हमने बनाया उसका एक फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेशन कर लिया, बेसिक सीख लिया, अभी पूरा नहीं लगाया, बेसिक एक प्रोजेक्ट रेडी कर लिया कि यार यूजर पोस्ट क्रिएट कर पाता है, यूजर कमेंट कर पाता है, ऐसी वाली चीजें हमने कर ली राइट। तो हम एक मर्न स्टैक, बेसिक मर्न स्टैक डेवलपर बन गए। अब अगर तुम दिमाग लगाओगे तो तुम इफेक्टिवली 3 से 3.5 महीने में एक मर्न स्टैक डेवलपर बन गए हो और एक फुल स्टैक डेवलपर बन गए हो, बट कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। कंप्लीट कब होगा? जब एक बड़ा प्रोजेक्ट जो तुम रिज्यूमे पे डाल सकोगे वो बना लोगे। तो 3.5 महीने, 3 से 3.5 महीने तुम्हारी लर्निंग पे गया है राइट, इफेक्टिवली लर्निंग पे गया, तुम सीखे हो भी, अभी तुमने अच्छे से अप्लाई नहीं करा है। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, जो आई थिंक लेगा तुम्हारे नेक्स्ट 2 से 3 महीने, एक बड़ा प्रोजेक्ट 2 से 3 महीने जो तुम पूरा फ्रंट एंड बैक एंड अच्छे से उसको डिप्लॉय भी करोगे, वेबसाइट पे भी डालोगे, तब जाके तुम्हारा एक कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपर बनोगे। अभी क्या है, तुम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट तुम्हें आ गई है, यू हैव लर्नड इट, बट अच्छे से लेवल पे तुमने अप्लाई नहीं करा है। तो नेक्स्ट क्या करोगे, एक प्रोजेक्ट आइडिया पकड़ोगे। अगेन प्रोजेक्ट आइडिया अगर पकड़ना है तो हम कुछ भी के वीडियो में लिंक डलवा दूंगा, वहां से प्रोजेक्ट आइडियाज ले सकते हो, या खुद से कोई भी एक प्रोजेक्ट आइडिया, एक बड़ा प्रोजेक्ट आइडिया, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो लाइक इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, बहुत सारे डिफरेंट आ गए हैं, या फिर तुम्हारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब आजकल बहुत चल रहा है, कोई भी एक पकड़ो, बिकॉज इसमें लर्निंग पूरी होती है। एंड अगले 2 से 3 महीने लग के पूरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाओ, कि अगर ई कॉमर्स बना रहे हो तो एड टू कार्ट हो पाता है जी, कुछ ऑर्डर प्लेस कर पाते हैं जी, वैसे वाला कुछ कर सकते हो। अगर तुम सोशल मीडिया बना रहे हो तो यूजर पोस्ट कर पा रहा है, यूजर स्टोरी डाल पा रहा है, यूजर कमेंट कर पा रहा है, कुछ भी कर सकते हो राइट, दैट यू कैन मेक। ऐसे कर करके हमारा एक पूरा एक मर्न स्टैक डेवलपर बन जाएंगे, हम फुल स्टैक वेब डेवलपर बन जाएंगे और हमारे रिज्यूमे पे एक प्रोजेक्ट आ जाएगा जो तुम्हें हेल्प करेगा टू स्टैंड आउट अमंग अदर्स, है ना। तुमने बना लिया अगले 2 से 3 महीने लग के, बट वो कंप्लीट तब होगा जब वो डिप्लॉय होगा। तो 15 दिन हमें AWS या जी गूगल क्लाउड सर्विसेज कुछ भी यूज कर सकते हो, मैं रिकमेंड करूंगा AWS यूज करो, और जो भी तुमने बनाया उसको फटाफट से डिप्लॉय करो। डिप्लॉय करने के लिए AWS आना चाहिए, 15 दिन लगेंगे मैक्स, है ना, 15 दिन लगेंगे AWS को, और GoDaddy से तुम्हारे को domains खरीदना होता है, कोई भी एक डोमेन लो उस पर अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर दो। नाउ तुम्हारा पूरा एक वेब डेवलपमेंट हो गया, अब तुमने अच्छे से अप्लाई भी कर दिया है, नाउ तुम जब वो प्रोजेक्ट डालोगे रिज्यूमे पे, यू हैव बिकम अ कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपर। तो इफेक्टिवली अगर तुम देखोगे शुरू से लेकर एंड तक, शुरू के 3 से 3.5 महीने लर्निंग पे गए थे, फिर नेक्स्ट 2 से 3 महीने तुम्हारे प्रोजेक्ट पे जाएंगे, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना टाइम लगेगा, तो इफेक्टिवली पूरे 6 महीने तुम लग के वेब डेवलपमेंट सीखते हो, आखिरी के 15 दिन कुछ AWS वगैरह सीखते हो, मैक्सिमम 6 से 7 महीने में तुम एक कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपर बन जाते हो। बस जो मैंने कहा है उसको अच्छे से फॉलो कर लेना, उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर लेना, आई टेक अ गारंटी तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी बढ़ जाएंगी, तुम एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बन जाओगे एंड यू आर रेडी टू क्रैक एनी जॉब। बस ये अच्छे से कर लेना, 6 से 7 महीने इन्वेस्ट करो एंड यू विल बिकम अ ग्रेट वेब डेवलपर। ओके, ग्रेट, थैंक यू।